फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, पीएम मोदी बोले ग्लोबल गवर्नेंस फेल, दुनिया की बड़ी संस्थाएं अहम चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है, इसमें US, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मीटिंग के इनॉग्रल सेशन में पीएम मोदी ने कहा, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया में गहरे विभाजन हो चुके हैं। पिछले कुछ साल में हमने आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध देखे हैं। इससे साफ हो गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के अहम मुद्दों को संभालने के लिए बनी संस्थाएं सबसे बड़ी चुनौतियों को पूरा करने में फेल हुई हैं। कई साल की प्रगति के बाद आज हमारे सामने रिस्क है कि कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पीछे की तरफ ना चले जाएं। कई विकासशील देश समय फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्जों तले दबे हैं जिन्हें वे संभाल नहीं पा रहे हैं। अमीर देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग की है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश ही है। इसी के चलते भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, G20 देशों पर असाधारण जिम्मेदारी है। हम पहली बार वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज एक बार फिर कई संकटों का सामना कर रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन जंग, क्लाइमेट चेंज। जरूरी नहीं कि इन मुद्दों पर हम एकमत हो, लेकिन हमें साथ मिलकर हल निकालना होगा।